अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू सिड स्टेशन। आज दोबारा से मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की मैक्सिकन डिश लेकर आ रही हूँ, चिकन एनचिलाडा, जिसकी रेसिपी बहुत आसान है और बहुत यूनिक है। बहुत मज़ा आएगा आपको ये खा के। आप लोग आसानी से बना सकें इसलिए मैं बहुत ही ईजी इन्ग्रीडियंट्स यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको चाहिए हैं, जिसमें आपको 500 ग्राम्स जो है चिकन फिले चाहिए होगा। उसके बाद चिकन को बनाने के लिए हमें रेड चिली पाउडर चाहिए है, क्रश ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर और सॉल्ट चाहिए होगा। फिर आपको मिक्स चीज़ चाहिए जो चेडर मोज़ेरेला होती है, टॉर्टियास चाहिए हैं आपको, आराम से मिल जाते हैं हर जगह पे। उसके बाद आपको चाहिए होगा सॉस बनाने के लिए रेड चिली पाउडर या पेपरिका पाउडर या कश्मीरी रेड चिली पाउडर आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको 2 चिकन क्यूब्स चाहिए होंगे, वो नहीं है तो आप चिकन पाउडर ले सकते हैं। सॉल्ट और टोमेटो पेस्ट चाहिए होगा, टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप टोमेटोज भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले चिकन को हम यहाँ पे बॉयल होने के लिए रख देते हैं। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं इसके अंदर, इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसके अंदर पानी डाल दें और इसको कुक होने के लिए छोड़ दें। इतना कुक करना है कि ये अच्छे से आराम से बाद में श्रेड हो जाए। अब हम देखते हैं कि सॉस कैसे बनाना है। एक पैन में मैंने नॉर्मल ऑयल ले लिया है, उसके बाद मैंने इसको हल्का गर्म कर लिया था और अब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है। आपको फ्लेम को लो रखना है ताकि ये जो रेड चिली पाउडर है ये जल ना जाए। इस स्टेप को आपने बहुत ध्यान से करना है, बिल्कुल भी आपने रेड चिली जलानी नहीं है, वरना एक सारा सॉस जो है हमारा ख़राब हो सकता है। और इस सॉस को बनाते हुए परेशान भी नहीं होना है कि ये बहुत ज़्यादा चिली हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत मज़े का बनता है। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा चिली हो गया है तो आप इसमें एक प्याज को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको कुक करते रहना है उस वक्त तक जब तक आपका ये सॉस अच्छे से थिक हो जाए और प्याज की जो एक स्मेल होती है, जो एक कच्चेपन की स्मेल होती है, वो चली ना जाए। तो ये वो टाइम आ गया है जब प्याज और जो चिली पाउडर था वो बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट नहीं है तो आप नॉर्मल टमाटर को भी ग्राइंड करके डाल सकते हैं इसके अंदर। इसको अच्छे से मिक्स करना है और कुक करना है। मैंने इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा क्लोज रखा है ऑथेंटिक रेसिपी से और सारी वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो घर में होती हैं, ताकि आप आराम से इसको बना सकें। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है और चिकन क्यूब्स डाल दिए हैं। चिकन क्यूब्स ना हो आपके पास आप चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसे मैं मेंशन कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अब हमें इस सॉस को थोड़ा सा रनी रखना है तो मैं इसमें आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ और इसको मैं थोड़ा सा और कुक करूँगी, अच्छे से मिक्स करूँगी। आगे आप देखेंगे कि मैं इसको रनी क्यों कर रही हूँ। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि सॉस की कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने अपनी चिकन जो बॉयल हो चुकी थी उसको अच्छे से श्रेड कर लिया है। अब बारी आती है टोर्टियास को टोस्ट करने की। ये स्टेप ऑप्शनल है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले उस डिश को ले लेंगे जिसमें हमने इसको बेक करना है। उस पर सबसे नीचे मैंने लगा दिया है इसकी सॉस की लेयर। अब जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें ये होता है कि आप टोर्टियास को इसमें डिप करते हैं सॉस में, उसके बाद इसकी फिलिंग होती है जिसमें चिकन जो भी हमने श्रेड करके रखी थी वो होगी, मिक्स चीज़ इसके अंदर जाएगी और हम इसको अच्छे से एक रोल बना देंगे और हम डिश के ऊपर रख देंगे इसको। तो ये प्रोसेस है जो कि आपको 6 to 7 टोर्टियास, जितनी मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ उस हिसाब से आपको 6 to 7 टोर्टियास के साथ ये करना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ पे ये मेरा रोल रेडी हो गया था और अब मैं उसी डिश में इसको प्लेस कर दूँगी जिसमें मैंने सॉस लगा के रखा हुआ था। उसके बाद इस तरीके की कुछ शक्ल हो जाएगी। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रंच के लिए मैंने कुछ अनियंस को चॉप करके रखा हुआ था, ये आप डालिएगा, बहुत ही मज़ा आता है जब आप खाते हैं और एक हल्का सा क्रंच आ रहा होता है। उसके बाद मैं ये जो रिमेनिंग सॉस था वो भी इसके ऊपर पोर कर दूंगी। मैं स्पून से इसलिए कर रही हूँ ताकि अच्छे से हर जगह इसके बीच में, साइड्स में, हर जगह जाए। अगर आप और ड्रेंच हुआ हुआ बनाना चाहते हैं तो आप और ज़्यादा सॉस की क्वान्टिटी बढ़ा सकते हैं और अच्छा सॉसी सा बन जाएगा, लेकिन मुझे ये क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। अब मैं इसको टॉप कर दूंगी मिक्स चीज़ के साथ, अच्छे से हर जगह कॉर्नर्स में, बीच में, हर जगह चीज़ लगा दीजिए। ये देखें जी, ये अभी से ही इतना एपेटाइजिंग लग रहा है, इतना मज़े का लग रहा है। ये बेक होने से पहले की शक्ल है तो आप बेक होने के बाद तो मज़ा ही आ जाएगा। तो अब मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया है 15 to 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज पे। ये देखिए जी, प्यारी प्यारी सी शक्ल आ गई है हमारे सामने एनचिलाडा की। इसको आप मज़े से खाएं सैलड के साथ, सावर क्रीम के साथ, या आप ऐसे भी खाली भी खा सकते हैं इसको। अच्छा जी, मैं आज आपको अपनी प्लेट भी दिखाती हूँ। तो ये है इनसाइड लुक, बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलिशियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अल्लाह हाफिज़।